नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन में हर रोज आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं और इसके लिए कार्यक्रम में है 3 सेगमेंट। पहले हम बात करेंगे विज्ञान और किसान की, साथ ही बात होगी कृषि स्टार्टअप की और आखिर में बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले बात करते हैं विज्ञान और किसान की। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो कि लगातार हम कह सकते हैं कार्य कर रही है, इसके अलग अलग संस्थान जो हैं किसानों को किस तरीके से सेवाएं दी जा सके। आपको बता दें परिषद का 52वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान ना सिर्फ कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर बल्कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी और श्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मौजूद रहे। और क्या कुछ आकर्षण रहा इस समारोह का, आइए देखते हैं। आज हम सबके लिए निश्चित रूप से बहुत ही प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि हमारी संस्कृति में किसी भी व्यक्ति या संस्था के जन्मदिन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। अनुसंधान परिषद ने अपने 9 दशक पूरे किए। किसी भी संस्था के जीवन के 9 दशक सफलतापूर्वक गुजरें यह मैं समझता हूँ उस संस्था के जीवन के लिए भी और भारत सरकार के लिए भी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। और इसलिए 92वें जन्मदिन के अवसर पर हम सब लोग इस समारोह में उपस्थित हैं। मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अनुसंधान परिषद के परिवार के सभी सदस्यों को अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं और बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस मौके पर प्रतिवर्ष यह परंपरा है कि अनुसंधान परिषद अपने परिवार के, अपने कार्यक्षेत्र के विभिन्न श्रेणियों के 161 महानुभावों को पुरस्कृत करने का काम करती है। और आज भी हम सब ने देखा कि देश भर में अच्छी सेवाएं देने वाले हमारे महानुभावों को पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार उनकी अच्छी सेवाओं के लिए है और मुझे लगता है कि जो लोग आज पुरस्कृत हुए हैं वे तो प्रोत्साहित होंगे ही, लेकिन जो लोग इस बार पुरस्कृत नहीं हो पाए उनको भी इसलिए उत्साहित होना चाहिए कि जो कसर इस बार रह गई अगले वर्ष के काम में वो कसर नहीं रहेगी। और अगले बार जब स्थापना दिवस का कार्यक्रम होगा तो ऐसे तमाम सारे महानुभाव जो इंतज़ार में हैं उनको भी पुरस्कार मिलेगा। तो इस अवसर पर सभी विजेताओं को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हम सब विशेष रूप से कृषि के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं और वो समय भी हम सबके ध्यान में है जब कृषि का क्षेत्र बढ़ते हुए समय के साथ एक तौर से अविकसित था। उस समय कृषि अनुसंधान परिषद ने इस चुनौती को स्वीकार किया। हमारे वैज्ञानिकों ने नए नए अनुसंधान किए, उन अनुसंधानों को किसानों के पास गांव में पहुंचाने का एक सफलतम प्रयत्न किया।
किसानों ने भी घनघोर परिश्रम किया, यह जानते हुए भी कि वो जो काम कर रहे हैं वो घाटे का काम है, लेकिन फिर भी नई सारी पद्धतियों का क्रियान्वयन खेत में हो, इस मामले में जो किसान का योगदान है वो अविस्मरणीय है। वैज्ञानिकों का अनुसंधान और किसानों का परिश्रम, इसी का परिणाम है कि आज भारत खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं अधिशेष राष्ट्र है। और आज हम सब यह अनुभव कर रहे हैं कि जब कोरोना वायरस के संकट से सारी दुनिया गुजर रही है, लॉकडाउन की स्थिति में भी तमाम असुविधाओं का सामना देश और दुनिया को करना पड़ा है, बहुत सारे साधन और बहुत सारी टेक्नोलॉजी से लैस तमाम सारे संस्थान हैं जिनकी गतिविधियां पूरी तरह बंद हो गई थी, लेकिन कृषि का क्षेत्र ऐसी अवस्था में भी संचालित रहा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 1929 में स्थापित हुआ था और रॉयल कमीशन रिपोर्ट के बाद भारत तत्कालीन सरकार ये सिद्धांत में पहुँचे कि भारत जैसे देश में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि के ऊपर शोध एवं शिक्षा, ये दोनों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की जन्म हुआ और तब तो ये इम्पीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च था, अब बाद में स्वाधीनता के बाद इसका नाम में परिवर्तन किया गया और इसको इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बनाया गया। 1960 दशक में जितने संस्थाने भारत सरकार के कृषि के ऊपर शोध करते थे सबको भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंदर लाया गया और सबको एकत्रित इकट्ठी करते हुए सामूहिक रूप से किस तरीके से शोध किया जाए उसके ऊपर काफ़ी प्लानिंग किया गया और योजना बनाई गई और तब से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद देश के लिए और किसान के लिए समर्पित है। 1960 दशक से शुरू करके जब हरित क्रांति आई थी तब से अब तक हमारे खाद्यान्न उत्पादन में हो, दलहन उत्पादन में हो, चीनी उत्पादन में हो, आलू उत्पादन में हो, सब में एक क्रांति भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के शोध के तहत संभव हुआ है। दुग्ध उत्पादन में भी हम लोगों ने दुनिया में प्रथम स्थान पर है और उसके साथ साथ इंडस्ट्री का योगदान भी जबरदस्त रहा, विशेष रूप में अंडे उत्पादन में, और हम लोग 45 गुना ज़्यादा अंडा उत्पादन करते हैं 1950-51 के साथ तुलना करेंगे तो। मछली उत्पादन में भी उसी तरह का बढ़ोतरी हुई है और हम लोगों ने 1 मिलियन टन के उत्पादन नहीं कर पाते थे 1950-51 में, अब हमारा उत्पादन 12-13 मिलियन टन पार कर चुका है। तो ये सारे जो संभव हुआ है शोध के बिना ये संभव नहीं होता, उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी किसान के पास पहुंचा है और किसान भाइयों ने बड़े मेहनत के साथ काम किए हैं। सरकार के पॉलिसी दिशा निर्देश इसमें बहुत सहयोग किया है तब जाके संपन्न सफल हुआ है। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशु,
बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो, आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब वो देखो, सिर्फ पैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो, उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप की। हम सभी जानते हैं जो बीज है उसे आधार माना जाता है, यानी बीज अच्छा होगा तो हमें उपज अच्छी मिलेगी। आज इस सेगमेंट में आपको हम एक ऐसे ही किसान की दास्तान दिखाने जा रहे हैं जिनका नाम है मनमोहन जी। हाँ, इन्होंने ना सिर्फ उन्नत बीज जो है उनकी उपज ली, बल्कि इसके साथ साथ अब ये दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। कैसा रहा इनका कामयाबी का ये सफर, आइए जान लेते हैं हमारी खास रिपोर्ट में। भारत में खेती को अलग अलग महानायकों ने अपनी मेहनत से सींचा। कृषि के भविष्य को नई दिशा देने में इन महानायकों की फहरिस्त लंबी है। उसी फहरिस्त में एक नाम है मनमोहन अत्तावर का। जी हाँ, मनमोहन अत्तावर, जिन्होंने अपने उद्यम से खेती की दिशा ही बदल डाली। जैसे किसी मजबूत घर की बुनियाद उसकी गहरी और मजबूत नींव होती है, वैसे ही अच्छी और कमाऊ खेती की बुनियाद अच्छे बीज से होती है। ये बात आज हर दूसरे किसान के साथ साथ सामान्य इंसान के बड़े तबके को समझ में आती है। लेकिन जरा सोचिए, आज से 6 दशक पहले अगर कोई ऐसा सोच रहा था तो उसकी सोच कितनी मौलिक थी। खेती और किसानी के लिए अपने बूते नया रास्ता बताने वाले ऐसे ही महानायकों में शुमार हैं पद्मश्री मनमोहन अत्तावर। 90 के दशक में कर्नाटक सहित दक्षिण भारत के बड़े हिस्से को पारंपरिक खेती से बाहर लाने वाले जिन 2-4 नायकों को देश जानता है, उनमें मनमोहन अत्तावर का नाम भी शामिल है। मनमोहन अत्तावर ने खेती को प्रयोगशाला से ज्यादा खेत को विज्ञान से जोड़ा। सब्जियां, फल और फूल जैसी पैदावार से उन किसानों को जोड़ दिया जिनके लिए खेती का मतलब सिर्फ धान, ज्वार, बाजरा और दूसरे मोटे अनाज हुआ करते थे। हॉर्टिकल्चर यानी उद्यान विज्ञान आज इस विषय को पढ़ने पढ़ाने और समझने वालों की भारी तादाद है। लेकिन 60 के दशक में उद्यान विज्ञान बिल्कुल नया था। घर के अहाते में बाग बगीचे में फल और फूलों को उगाना ही हॉर्टिकल्चर की पहचान थी। लेकिन मनमोहन अत्तावर 60 के दशक में ही इस उद्यान विज्ञान के मैजिक को भांप गए थे। आज वही हॉर्टिकल्चर एक बड़े कृषि उद्योग की जरूरत बन चुका है। खेती की जुबान में किसान हॉर्टिकल्चर को एक ऐसी खेती समझ सकता है जिसमें खेती उद्यम बन जाती है। किसान सीधे विज्ञान, कला और व्यापार के साथ जुड़ जाता है। मतलब धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा और बाकी अनाजों से इतर हॉर्टिकल्चर एक ऐसी खेती का विज्ञान है जिसमें फल, फूल, सब्जियों के साथ औषधीय पौधे, जड़ी बूटियां हैं जो किसान को सीधे बड़े फायदे की तरफ ले जाती हैं। सामान्य खेती के मॉडल से जुड़ा हुआ यह अपनी तरह का नया मॉडल है। थोड़ी जमीन पर बड़े फायदे का ये मॉडल आज किसानों का सबसे पसंदीदा फील्ड बना हुआ है। भविष्य में खेती हाइब्रिड बीज के बूते बड़ी बनेगी, इसकी कल्पना 60 के दशक में मनमोहन अत्तावर ने की। तब मनमोहन युवा थे और उनके दिलो दिमाग में बस एक ही धुन थी कि कुछ अलग करना है, खेती को जीने की जरूरत से बहुत आगे ले जाना है। मनमोहन अत्तावर का जन्म कर्नाटक के कारकल में हुआ था। बचपन से ही बड़े बदलाव का सपना देखने वाले मनमोहन अत्तावर ने अपने ही गांव के किसानों को परंपरागत खेती के दुष्चक्र में जूझते देखा। कड़ी मेहनत के बाद किसान के हाथ जो आता वो इतना कम होता कि पेट और परिवार को चलाना भी मुश्किल हो जाता। ये बात मनमोहन अत्तावर को सालती और यहीं से शुरू हुआ मनमोहन अत्तावर के बदलाव का सफर। मनमोहन अत्तावर ने अपनी मास्टर डिग्री उद्यान विज्ञान में ही की है।
अमेरिका से लौटने के बाद अत्तावर ने वो कर दिखाया जिसने कर्नाटक और दक्षिण भारत के बड़े हिस्से में किसानों की किस्मत बदल दी। लेकिन अत्तावर का काम, उनका योगदान सिर्फ हॉर्टिकल्चर में नहीं बल्कि मनमोहन एक अच्छे प्लांट ब्रीडर के तौर पर भी जाने जाते हैं। अत्तावर ने किसानों की जरूरत को जमीन पर उतारा और बीज में बड़े बदलाव के लिए रिसर्च करने लगे। ऐसा बदलाव जिसमें बीज और पौधों को ये ताकत दें कि वो विपरीत हालात में भी अच्छी पैदावार दे सकें। उस वक्त अमेरिका में कॉलबॉल नाम के कृषि वैज्ञानिक बीज को लेकर रिसर्च कर रहे थे। अत्तावर भी उनकी टीम में शामिल हो गए। आज उन्नत बीज की ऐसी किस्में बाजार में मौजूद हैं जो पैदावार में 3 से 4 गुना तक बढ़ोतरी कर सकती हैं। लेकिन तब इस हालात तक पहुंचने और पहुंचाने के लिए मनमोहन अत्तावर जैसे नायकों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी। मनमोहन अत्तावर ने बेंगलोर में अपने सपनों का ग्रीन हाउस बनाया। ऐसा ग्रीन हाउस जिसमें न सिर्फ उन्नत बीजों पर लंबी रिसर्च के साथ पैदावार शुरू की गई, बल्कि अलग अलग किस्म के पौधों की खोज के साथ एक अलग तरह की खेती को खेतों तक लाने की तैयारी भी शुरू हुई। लोग जुड़ते गए और कारवा बनता चला गया। एक छोटे से ग्रीन हाउस से शुरू हुई बीज क्रांति रंग लाने लगी। देखते ही देखते टमाटर, कैप्सिकम, बंद गोभी के अलावा कई अनाजों के भी उन्नत हाइब्रिड बीज तैयार होने लगे और इसे कर्नाटक के बड़े हिस्से में ट्रायल के लिए किसानों के पास पहुंचाया जाने लगा। नतीजा चौंकाने वाला था। देखते देखते धान बाजरा उगाने वाले किसानों ने अपने खेतों पर टमाटर की पैदावार शुरू कर दी। किसानों के खेत लहलहाने लगे। घाटे की खेती फायदे के सौदे में बदल गई। मनमोहन अत्तावर के काम को न सिर्फ किसानों से बल्कि सरकार से भी सराहना मिली। 1998 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री जैसे पुरस्कार से सम्मानित किया। इसके अलावा भी मनमोहन अत्तावर को कई सम्मान मिले जिसमें डॉक्टर एमएच मरीगौड़ा नेशनल अवार्ड, एपीडा अवार्ड, गोल्डन जुबली इंटरनेशनल अवार्ड, आईएसएफ अवार्ड, राज्योत्सव प्रशस्ति अवार्ड शामिल है। अपने करियर के दौरान मनमोहन अत्तावर कई सरकारी और गैर सरकारी पदों पर विराजमान रहे। डॉक्टर अत्तावर की आंखों में आज भी सपने पलते हैं। सपने देश के लिए, सपने देश के किसानों के लिए, उनकी प्रगति और खुशहाली के लिए। सपने तो हर कोई देख सकता है, लेकिन पूरा वो कर पाता है जो इसकी कीमत चुकाता है, और मनमोहन अत्तावर ने इन सपनों को कीमत चुकाकर पूरा किया है। इसीलिए कामयाबी की इस कहानी में इनकी महानायकी छिपी है। और इसी के साथ ही कृषि दर्शन में वक्त उछला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, गांठ बांध लो। बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर रास को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों, गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉयल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। सूखा हो या पे मौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी, अब हर किसान लाभ उठाए, एक मौसम मकदर है, सब किसान बीमा कराए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। अब चलिए बात करते हैं फार्मिंग इंडिया की।
लोबिया वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में उगाए जाने वाली फसल है। लोबिया की खेती दाल एवं सब्जी दोनों के लिए की जाती है। इसके साथ साथ जानवरों के चारे में भी प्रयोग की जाती है। दलहनी फसल होने के कारण ये वायुमंडलीय नत्रजन को भूमि में संचित करती है, जिससे जमीन की उर्वरता बढ़ती है एवं आगामी फसल को इस नत्रजन का लाभ मिलता है। लोबिया प्रोटीन के लिहाज से एक उत्तम फसल है तथा इसकी खेती दाने, सब्जी यानी हरी फली, चारे एवं हरी खाद के लिए की जाती है। लोबिया एक प्रमुख दलहनी फसल है, जिसको कि हम खरीफ में और गर्मियों में उगा सकते हैं। और लोबिया को हम कई प्रकार के लिए, किसी कई प्रकार के उपयोग के लिए उगा सकते हैं। जैसे दाने के लिए भी इसका उगाया जाता है और हरी खाद के लिए भी इसको उगाया जाता है, हरे चारे के लिए भी उगाया जाता है। और इसमें हम कई प्रकार के जो भूमि सुधार के प्रोग्राम होते हैं उनमें भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और यहाँ तक कि हम इसको सब्जी के रूप में, जैसे उसकी जो हरी फलियाँ होती हैं उनको हम सब्जी के रूप में उपयोग में लेते हैं। और अभी जो प्रेजेंट में हमने बो रखी है लोबिया की जो फसल, तो उसमें किसान भाइयों को कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी फसल को कम नुकसान होगा और ज़्यादा पैदावार होगी। तो इसके लिए मैं बता दूँ आपको, क्योंकि आपने जब बीज बोया होगा तो ज़रूर आपने बीज को उपचार भी किया होगा, और बीज उपचार करके बोया होगा तो उसमें कम से कम रोग और कीट लगने की संभावना होगी। दूसरा, आपने राइजोबियम कल्चर का प्रयोग किया होगा तो उससे क्या है कि आपकी नाइट्रोजन की जो मात्रा है उसमें भी काफ़ी कमी आएगी, बचत होगी। तो जब किसान भाइयों ने लोबिया बोया होगा तो उसमें मैं समझता हूँ कि 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन दिया होगा, और बाकी जितने दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनकी पूरी मात्रा किसान भाइयों ने शुरू में ही दे दी होगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान भाई भूल जाता है कि उस समय कौन कौन से तत्व के हमने इसमें उपयोग दिया है, कौन कौन से तत्व हमने नहीं दिए हैं। तो अगर कोई किसान भाई भूल भी गया है तो अभी भी चाहे तो वो इसमें पोषक तत्व का प्रबंधन कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हम कई बार जैसे जो ड्राईलैंड्स हैं यानी कि जो शुष्क प्रदेश हैं वहाँ पे हम लोग स्प्रेयर के द्वारा भी पोषक तत्व का प्रबंधन कर लेते हैं। जैसे हम DAP का घोल बना सकते हैं और दूसरे जो असली जो तत्व हैं यानी कि जो प्रमुख जो तत्व हैं उनका भी हम घोल बनाकर छिड़काव कर सकते हैं। तो घोल की जो मात्रा होती है वो 1.5% के हिसाब से हम घोलते हैं, और अगर सूक्ष्म तत्व हैं तो वो 0.5% के हिसाब से हम घोल बना लेते हैं, और घोल बनाने के बाद हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो पोषक तत्व प्रबंधन कर सकते हैं। और दूसरी बात सबसे बड़ी है कि इस समय जहाँ जहाँ बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, तो वहाँ पे फसल को नुकसान भी हो सकता है। तो किसान भाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपके खेत में लोबिया की फसल लगी हुई है और पानी का उसमें रुकाव होता है तो कृपया करके पानी को निकाल दें, क्योंकि अगर आपके खेत में 3 से 4 दिन पानी रहा तो आपकी जो लोबिया की फसल है उसका वो ख़त्म हो जाएगी, वो सड़ जाएगी, गल जाएगी। तो इसलिए मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि आपके खेत में जो पानी भरा है उसका जो निकास है वो सही होना चाहिए, यानी कि उसमें कम पानी भरना चाहिए। और अगर कई बार क्या होता है कि जैसे बारिश में आपने बो दिया है और लगता है कि 15-20 दिन तक बारिश आ नहीं रही है, तो शुरू में क्या होता है कि लोबिया की जो फसल है उसको पानी की मात्रा चाहिए। तो अगर किसान भाई के पास सिंचाई की व्यवस्था है तो ऐसे जो समय में जब पानी नहीं हो रहा है, जब बारिश नहीं हो रही है, तो आप एक पानी अवश्य लगाएं, जिससे क्या है कि आपकी लोबिया की जो फसल है वो अच्छी तरह से स्वस्थ रहेगी। और दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि वैसे तो किसान भाइयों ने गर्मियों में जुताई की होगी खेत की, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसान भाई व्यस्त रहता है तो वो कर नहीं पाते हैं। तो अगर आपने जुताई नहीं की है और कोई ज़्यादा ध्यान नहीं रखा है, क्योंकि खरीफ के मौसम में क्या होता है, जब हम लोबिया की फसल लेते हैं तो इसमें अनेक प्रकार के जो खरपतवार है उनकी आने की संभावना बनी रहती है, तो आप उनको हाथ से ही निकालें और निराई गुड़ाई भी कर सकते हैं, जैसे किसान भाई आमतौर पर करते हैं। और दूसरा, कई बार क्या होता है कि किसान भाई खरीफ में यानी कि जो हमारा जो खरीफ का जो मौसम है इसमें जब लोबिया की फसल उगाते हैं तो कई बार ज़्यादा मात्रा में बीज चला जाता है। तो ज़्यादा मात्रा में बीज जाने से क्या होता है कि लोबिया के जो पौधे होते हैं वो आपस में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो न्यूट्रिएंट के लिए भी प्रतिस्पर्धा करते हैं, लाइट के लिए भी करते हैं, हवा के लिए भी करते हैं और जगह के लिए भी करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके खेत में जो पॉपुलेशन है, जो पौधों की संख्या है, वो ज़्यादा हो रखी है, तो आप इसी समय आप उनको निकाल सकते हैं, यानी कि उसको बोलते हैं हम थिनिंग। तो किसान भाई थिनिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्पेसिंग होता है यानी कि जो रोग पंक्ति से पंक्ति की दूरी जो होती है
वो करीब होती है 35 से 40 सेंटीमीटर। आपको लगता है कि इससे ज़्यादा पौधे इससे कम पंक्ति से पंक्ति दूरी हो रही है, तो आप जो पौधा कमज़ोर हो उसको निकाल दीजिए, जिससे क्या है कि इनकी जो दूरी है वो करीब 35 से 40 रहे और पौधे से पौधे की दूरी 8 से 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जब ये ऑप्टिमम मात्रा में आपकी स्पेसिंग रहेगी तो इसमें आपके जो पौधे हैं वो शुडोल होंगे और अच्छी बढ़वार होगी, और अच्छी बढ़वार होगी तो उनमें फलियां ज़्यादा लगेंगी, फलियां ज़्यादा लगेंगी तो आपके दाने की मात्रा और आपके फलियों की मात्रा वो ज़्यादा होगी, इससे किसान भाइयों को लाभ भी ज़्यादा मिलेगा। तो फिलहाल के लिए कृषि दर्शन में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि इस जानकारी से आप लाभान्वित होंगे। इसके साथ साथ अगर आप अपना कोई सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है krishidarshandk@gmail.com। इसके अलावा पत्र व्यवहार के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतज़ार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि से संबंधित ताज़ा जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।